हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशंस, व्हाट इज रिडक्शंस, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशंस मतलब क्या? द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है रिएक्टेंट, और क्या होता है, लॉसेस हाइड्रोजन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो सिंपली यू कैन से व्हाट इज बाय ऑक्सीडेशंस। सो ऑक्सीडेशंस मीन्स व्हाट, क्या होता है, ऑक्सीडेशंस मीन्स गेन ऑफ, क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम क्या बता सकते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशंस। यहाँ तक हमको पता है, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स, इसका मतलब हम ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं। लेकिन और भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आपको पढ़नी है, जो कि इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तीसरी जो कॉन्सेप्ट है, कौन सी है, यहाँ पर क्या होता है, देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसी को भी क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, रिडक्शन की बात अगर करते हैं हम, ठीक है, रिडक्शंस, तो रिडक्शन में क्या होता है, देखो, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या, द केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट क्या हो जाता है, कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, गेंस हो जाते हैं, या उसकी एंड वैलेंस इज रिड्यूस, उसकी जो, ठीक है, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे रिडक्शंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आपको सिंपली समझ में आया होगा कि रिडक्शंस मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो कौन सी है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ और एडिशन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिएक्शन में, ठीक है, H2 के फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई आपको, तो किस तरह से होती है, देखो, रिएक्शंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। सो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, ZN सॉलिड, ठीक है, ZN सॉलिड में है, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शंस होते हैं कॉपर के साथ, कॉपर 2 प्लस के साथ हो रही है रिएक्शंस, ठीक है, और ये एक्वस स्टेट में है, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में है, तो उसकी जब रिएक्शंस होती है तब क्या फॉर्म होता है, देखो, ZN क्या हो जाता है, यहाँ पर ZN 2 प्लस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरा कॉपर सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, देखो, दूसरी जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है ये वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, और रिडक्शन में जो चौथी जो इम्पोर्टेंट
ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे डिक्रीज होता है देखते हैं इस एग्जांपल से। ठीक है, यहाँ पर देखो ZN, ZN के ऊपर चार्ज कौन सा दिया हुआ है, कोई कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज कितना है, 2+ है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जीरो से, यहाँ पर चार्ज कितना होता है, जीरो है, जीरो से 2+ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, जब चार्ज जीरो से 2+ तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और रिडक्शन कब बोलेंगे, रिडक्शन कब बोलते हैं हम इसको, जब चार्ज कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, 2+ चार्ज है। ठीक है, तो उसका चार्ज यहाँ पर कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, मतलब 2+ से जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन, तो आई बात समझ में आपको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तब, ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, 2+ से जीरो तक पहुँच गया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप सिंपली बता सकते हो, जब कोई भी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है देखो, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई भी हमने स्पेसिस ली है, ए जीरो से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्या बना, A+ बना। ठीक है, A+ बनता है, मतलब यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, जीरो से प्लस हो रहा है, A+ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशन में अगर कोई भी समझो स्पेसिस लिया है हमने, B0 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है, तो इस वो क्या करेगा, ठीक है, बी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करके निगेटिव चार्ज उसमें आ जाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करता है, कोई भी एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जीरो से माइनस तक चार्ज गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन, तो आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पर गेन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस O2 आपकी किताब में दिया हुआ एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपके किताब में से ही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कौन सा है, कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है, मतलब यहाँ पर ऐड हो रहा है कार्बन, ठीक है, और क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है, MgH2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या फॉर्म होता है, Mg+H2 फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, CH3, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, नियर अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन इसका कन्वर्शन, इथिन का कन्वर्शन किस में हो जाता है, इथिन में हो जाता है। ठीक है, इथिन में यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम्स का लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। ठीक है, तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, यहाँ पर सी आर
2O7, ठीक है, 2 निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, प्लस Fe2+, ठीक है, Fe2+, और यहाँ पर क्रोमियम 3+, और यहाँ पर Fe3+, ये दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो Fe की बात करते हैं, Fe में देखो 2+ चार्ज है, तो 2+ यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3+ है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, आप सिंपली ये बता सकते हो, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। अभी देखो यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर कुछ भी चार्ज दिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3+ चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो कैलकुलेट करते इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्रोमियम कितने, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमने यहाँ पर एक्स कंसिडर किया है, ठीक है, एक्स कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 7 है, मल्टीप्लाइड बाय उसमें चार्ज कितना है, 2 निगेटिव है, ठीक है, 2 निगेटिव चार्ज मतलब -2 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम -2 चार्ज, और इज इक्वल टू 0। तो इसका चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से, 2x+7 से कितना होता है, माइनस होता है, ठीक है, माइनस कितना, यहाँ पर देखो -14 होता है, 0, तो 2x का मतलब ये 14 इधर गया, तो x का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो x इज इक्वल टू कितना, 7 × 14 हो गया, तो ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है, ठीक है। और दूसरी मेथड इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ओके, तो x इज इक्वल टू कितना है, 7 आया, तो 7 यहाँ पर आता है, ठीक है, 7, तो 7 × 14 और 7 × 14, ये +14, ये -14, तो ये बात क्लियर है आपको, तो कितना आता है, 7, तो 7 यहाँ पर इसका चार्ज 7 है, +7 है, तो +7 से कितना हुआ, 3+ हुआ, मतलब यहाँ पर घट रहा है चार्ज, क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हम बोलेंगे इसको, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। ने यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो क्रोमियम, ठीक है, ये जो स्पीसीज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो Fe तो क्या हो रहा है, उसमें चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में इसको फेरस को इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं, ठीक है, लूज करने के बाद ये क्या बना, Fe3+ बना, ठीक है, मतलब चार्ज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है निकालने में किसने हेल्प की है, तो इसने, ठीक है, इसने हेल्प की है, इस स्पेसिस ने हेल्प की है, ठीक है, सो दैट्स वाई यू कैन से ऑक्सीडाइज करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करने का काम ये कर रहा है, ये स्पेसिस कर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है, सो ये स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो Fe का रिडक्शन मतलब यहाँ से चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2+ से 3+ चार्ज हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसने, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं मतलब क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, Fe क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, और कौन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कौन करता है, ये करवाता है, ठीक है, तो ये स्पेसिस क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज करता है Fe को, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है Fe को, और खुद क्या हो जाता है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो वाइस वर्सा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया आपको, और समझाते हैं आपको एक एग्जांपल्स लेके, ठीक है। आपको एग्जांपल्स लेके हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल्स। सपोज आपके पास AgNO3 है, ठीक है। AgNO3 प्लस NaCl है, ठीक है। NaCl, तो इस कंडीशन में देखो क्या फॉर्म हो रहा है, AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। NaNO3 फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बताना है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है, प्लस वन रहता है। इसके ऊपर माइनस टू रहता है, ठीक है। सोडियम के प्लस प्लस वन रहता है, इसके ऊपर माइनस रहता है, ठीक है। प्लस वन और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर माइनस टू रहता है। तो इस रिएक्शन में देखो इसका चार्ज घटा या बढ़ा, सिल्वर का चार्ज क्या रहा है, रिमेन एज इट इज, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नाइट्रेट का चार्ज देखो टू माइनस है, यहाँ पर टू माइनस है, ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस वन है, प्लस वन है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ है और रिडक्शन भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होती, ठीक है। इसमें अब देखेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये इसकी एक ट्रिक्स है। तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और कौन सा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं देखो। तो यहाँ पर एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले लिख, ठीक है, लिख बा, हम इस तरह से याद कर सकते हैं, लिख बा, ठीक है। बेरिलियम ये है, देन SR है, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम कैल्शियम है, ठीक है, देन सोडियम है, ठीक है, सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज और जिंक। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है, क्या बता बोल सकते हो आप इसको, लिक बा, ठीक है, लिक बा सर काना, ठीक है, लिक बा सर काना मग अल मंजन, ठीक है, मग अल मंजन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब क्या, ये कौन सा है सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी रिड्यूसिंग, ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, नीचे से सबसे कम किसकी है, ZN, MN, AL, MG, सोडियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम पोटेशियम और लिथियम, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी बात कर लेते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम, ठीक है, क्रोफेनी, ठीक है, क्रो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रोफेकोनी, ठीक है, क्रोफेकोनी, क्रोफिकोनी, पब, ठीक है, क्रोफिकोनी, पब, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कॉपर, ठीक है, HG, ठीक है, HG और AG, AU, ठीक है, AU और PT, और यहाँ पर आयोडीन, Br2, ठीक है, क्लोरीन और यहाँ पर F2। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टी कौन सी होता है, Fe, सो Fe इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सो आई होप वो क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट।